नमस्कार दोस्तों, बी आर क्रिप चैनल में फिर से आपका स्वागत है। और आज हम सीखेंगे, हमें मैश फिल, यहाँ पे देखेंगे मैश फिल और इसका शॉर्टकट एम है, आप एम यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक राउंडेड यहाँ पे ले लेते हैं और इसी में हम अप्लाई करके देखेंगे और कैसे क्या यूज़ होता है। तो सबसे पहले हम मैश टूल का यूज़ यहाँ पर सीखेंगे और इसका यूजेस हम ज़्यादातर कलर फिल, बाकी कलर को मैच करने के लिए हम करते हैं। तो इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ और उसके बाद यहाँ पे जाता हूँ मैश फिल। यहाँ पे जैसे करता हूँ मैश फिल, इस पर जैसे ही क्लिक होता है उसके बाद देखेंगे यहाँ पे पॉइंट्स, यहाँ पे जो है ये पॉइंट्स बन चुके हैं और इस पर हम अलग अलग कलर फिल कर सकते हैं। मान लीजिए इस पर हमने अगर कलर फिल करना है तो हम यहाँ पर ड्रैग करके यहाँ से इस तरह से हम यहाँ पर छोड़ सकते हैं और बाकी आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर कलर लेके यहाँ पर जैसे कलर करेंगे, यहाँ पे जैसे फिल करेंगे, आपको कौन सा कलर फिल करना है तो आप इस तरह से यहाँ से कर सकते हैं। और यहाँ पे भी आप देखेंगे यहाँ पे ऑपेसिटी भी मैनेज कर सकते हो। यहाँ पे आपको कितना यहाँ पे फेडेट करना है, आप यहाँ पे फेडेट, आप इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ, आपको फेडेट कितना करना है तो आप इसमें यहाँ पे कलर के हिसाब से कर सकते हो। मान लीजिए इससे तो आप यहाँ पे देखेंगे अलग अलग, मान लीजिए इस पर सेलेक्ट करता हूँ और इस पर हमें कोई दूसरा कलर देना है। मान लीजिए हम यहाँ पे दे देता हूँ ये कलर और यहाँ पे हमें कितना फेडेट करना है, ऑपेसिटी हमें कितना रखना है, तो इस तरह से आप देखेंगे इस तरह से ऑपेसिटी हम इस तरह से रख सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे बहुत ही प्यारा हमारा जो कलर है यहाँ पे बन चुका है और सेम वैसे ही है। आप यहाँ पे भी देना चाहते हैं तो यहाँ पे भी कलर, आप कोई से भी यहाँ पे मान लीजिए हमें ये कलर देना है तो इस तरह से आप यहाँ पे कलर दे सकते हैं। बीच में कलर देना है तो बीच में भी दे सकते हैं, बीच में वाइट दे देता हूँ, वाइट दिया। तो इस तरह से आप अलग अलग कलर देके यहाँ पे, जैसे यहाँ पे अगर कुछ कलर देना है यहाँ पे, तो मान लीजिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं पर्पल दे देता हूँ, तो इस तरह से आपके पास कलर आ जाएगा। और यहाँ पे एक कोई कलर दे देते हैं, यहाँ पे मान लीजिए येलो दे दिया, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास यहाँ पे अगर कलर मैच करना है, मान लीजिए इस तरह से कुछ अगर डिज़ाइन बनाना है, अगर कलर के साथ आपको खेलना है, ठीक है, आपको कलर मैचिंग करना आता हो या आपको इसमें सीखना है, तो आप एक एक करके कलर यूज़ करके किस तरह से एक सुंदर डिज़ाइन बना सकते हैं और कलर से आप एक अच्छा लुक दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे मैश कलर पे जैसे क्लिक करेंगे, हमारे पास कुछ यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ दिख रहे हैं, तो आप यहाँ पे देखेंगे प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे जैसे हैं, यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे वन हो गया, यहाँ पे जैसे बढ़ाएंगे और उसके बाद आप जैसे यहाँ पे कोई सर्कल लेते हैं और उसके बाद आप यहाँ पे जैसे इस पर सेलेक्ट करेंगे तो हमारे पास जो कलर फिल करने का ऑप्शन है तो वो ज़्यादा हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे हम मान लीजिए इनको इन सब पे कुछ अलग कलर देना है, मान लीजिए इन पे पूरा सेलेक्ट किया और इस पे हमने दे दिया येल्लो, ठीक है, ये पूरा येल्लो हो गया। और मान लीजिए इसको हमें देना है रेड, इन पूरे को सिलेक्ट करके हमें रेड दे दिया। और यहाँ से मान लीजिए इसको यहाँ से हमने कुछ और कलर देना है तो हम यहाँ से ये कलर दे दिया। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास जो कलर फिल है वो बहुत ही अच्छा या प्यारा यहाँ पे बन गया है हमारे डिज़ाइन। तो अलग अलग कलर आप मैश के यूज़ करके आप अलग अलग कलर यहाँ पे दे सकते हैं। तो यहाँ पे जो है नंबर, आप कितने नंबर का रख सकते हैं, आप बॉक्स बना रहे हैं या आपको राउंडेड कुछ बना रहे हैं, तो इस तरह से आप दे सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे जैसे सिलेक्ट करते हैं मैश टूल पे, उसके बाद आपके पास यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे इस तरह से, यहाँ पे जैसे यहाँ पे देखेंगे कलर है यहाँ पे और इसमें आपको कौन सा कलर रखना है, आप यहाँ से मान लीजिए इस पर हमें कोई कलर रखना है तो इस तरह से आप रख सकते हैं, ठीक है। और बाकी ऑप्शन है यहाँ पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने इससे पहले जो यहाँ पे विजर टूल और पेन टूल का यूज़ करते हुए हमने सीखा था। बाकी अगर ये वीडियो नहीं देखा तो उसमें हमने डिटेल में बताया गया है कि इसका यूज़ कैसे करते हैं। बाकी आप यहाँ से चेक कर ले और इसको अगर कुछ करना है यहाँ पे, अगर थोड़ा सा यहाँ पे चेक कर ले यहाँ से, और इस तरह से आप कुछ डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो इस तरह से आप यहाँ से रोटेट कर ले, अगर आपको यहाँ से भी शेप चेंज करना है तो इस तरह से शेप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे भी हो आप अलग अलग डिज़ाइन तैयार कर सकते हो शेप चेंज करके यहाँ पे, ठीक है, अपने हिसाब से कुछ भी डिज़ाइन बना सकते हो यहाँ से, ठीक है। और इसमें जो ऑप्शन है और बाकी जो ऑप्शन है हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जो स्मूथ का है, स्मूथ में आप देखेंगे कितना रखना है तो ये स्मूथ हो जाएगा। और इसको हम जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे और इस पर कलर देते हैं और ये हम के यहाँ पर देखेंगे ये स्मूथ हो गया है। और स्मूथ कितना रखना है यहाँ पर आप उसके हिसाब से दे सकते हैं, यहाँ पे सेलेक्ट करके आप जैसे करेंगे तो उसके हिसाब से ये स्मूथ भी यहाँ पे हो जाएगा, देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे स्मूथ रखना है, यहाँ पे कितना रखना है, मान लीजिए यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया, यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे हम कर सकते हैं यहाँ से, तो ये कर देंगे यहाँ से। ऑपोसिटी को देखेंगे, यहाँ पे ऑपोसिटी को बढ़ा कम सकते हैं यहाँ से,
और इसको हम यहाँ का मैनुअली बढ़ाते हैं 70, तो हम इस तरह से बढ़ जाएगा। तो वो सेम टू सेम अगर आपको स्मूथ करना है, अगर कलर कहीं ऐड करना है तो इस तरह से आप ऐड कर सकते हो। तो आई थिंक आपको मैश कलर यहाँ पे अगर देखेंगे, इस पर क्लिक करेंगे और इस पर जैसे क्लिक करते हैं, मान लीजिए इस पर क्लिक किया, आपको कोई पॉइंट डिलीट करना है तो यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, और माइनस भी करना है तो यहाँ से माइनस भी कर सकते हो। ऐड करना यहाँ पे करें और यहाँ से ऐड कर ले, और यहाँ पे सिलेक्ट करें अगर माइनस करना तो यहाँ से माइनस कर दे, ठीक है। तो बाकी अगर ये नहीं रखना है यहाँ पे, अगर नहीं रखना, मान लीजिए यहाँ से सेम टू सेम हमने जो यहाँ पे कलर फिल किया था वहाँ से हटा देगा, ठीक है। और यहाँ से मैं करता हूँ डिलीट। और अगर आपने ये कलर फिल किया, मान लीजिए कलर फिल किया और सेम टू सेम चाहते कि दूसरे में भी यहाँ पे फिल हो जाए, तो उसके लिए क्या करना है आपको, इस पर सेलेक्ट करना है, यहाँ पे देखेंगे कॉपी, यहाँ से जैसे कॉपी करेंगे यहाँ पे, यहाँ से जैसे आप इसको मान लीजिए इसने इसको बनाया और इस पर हमें ये सेम टू सेम देना है, यहाँ पे मान लीजिए हमने ये सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे देखेंगे कॉपी, जैसे इस पर कॉपी करेंगे और यहाँ पे जैसे ये तीर का निशान जो एरो का निशान बन जाएगा और इस पर जैसे क्लिक करेंगे, सेम टू सेम हमने जो कलर फिल किया था उसमें ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो बाकी चीज़ें आप एक एक करके देख सकते हो। आई थिंक आपको ये वीडियो समझ में आ चुका होगा, फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जाके जरूर करें, और अगर ये वीडियो फिर से आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इसी तरह की वीडियो अगर आगे भी देखना है आपको तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।